दुनिया के सारे प्यार खत्म हो जाए, छोटे पड़ जाए, हेत हो जाए, उसका मुकाबला ना कर सके। जिसको कुरान कुछ इस अंदाज में भी कहे कि आप उसे करवाइए मेरे इस्लाम और सलाम, के इंसान आवाओं इनके भाव का विकल्प कीजिए, इनके वालदैन का विकल्प करें, इंसान आवाओं इनकी औलादों का विकल्प करें, वही अखबार इनके बालों का जिक्र करें, बाद इनकी बीवी और शोहरों का जिक्र करें, बाशी हतुकुम और इनके रिश्तेदारों का जिक्र करें, बाबाद तबूहा और इनके बालों घर का जिक्र करें, बजार तक शौन तकाना हा और इनकी तिजारत के बाद का जिक्र करें, और साक्ष कर दौड़ा हा अक्का इलेकुम मिनल्लाह व रसूलिह और इनके दरों का जिक्र करें, कोठियों का जिक्र करें, इनकी रहायशगाहों का जिक्र करें और पूछे इनसे कि ये सारी चीजें बाप है, माँ है, बहन भाई है, बीवी बच्चे हैं, औलाद है, ये मकानात हैं, तिजारत का माल है, मालों से है, ये सारे के सारे क्या तुम अल्लाह के रसूल के लिए इसको कुर्बान कर सकते हो? क्या ये हो सकता है? और ये बात करवाई गई कि अगर ये होगा, अगर ये होगा तो कामयाबी है, अगर खुदा ना खास्ता अब असाकी तरजौना हा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरबसू हत्ता यातिय अल्लाह बिअम्रिही। अगर ये लोग अपने माँ बाप, अपनी औलाद, बीवी बच्चे, घरों में रहने वाली बीवियां, मोहल्ला और मालो घर इसको अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर ये वादे के लिए तैयार नहीं है, फतरबसू हत्ता यातिय अल्लाह बिअम्रिही, फिर इंतजार करो इनको छोड़ दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है और रब्बे जिल जलाल वादे करवा रहे हैं, फतरबसू हत्ता यातिय अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदी अल-क़ौम अल-फ़ासिकीन। अल्लाह फासिक लोगों को कभी भी हिदायत नहीं बख्शा करता। मतलब क्या हुआ कि इन सारी चीजों से बढ़ करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में होना जरूरी है और इसको बोला उसी लिहाज का ग्रंथ बनाए कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमन हो ही नहीं सकता जब तक उसको अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो। अब एक बात तो सामने आ कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते का वक्त कैसी है कि जो जिसको हम आइडियल बना सकते कि जिनके साथ मोहब्बत की जा सकती है, कुरान ने एक दाता तो दे दी है कि इनसे सबको मुबारक किया जा सकता है, सभी से मुबारक भी जो फरमा रही है कि इनके लिए सबको जोड़ा जा सकता है। यह ऐसा हुआ। अब हम इसको हल्का हल्का करके देख रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इनसे फरमाइए कि इनकार आ बाबू, पहले माँ बाप का जिक्र किया, माँ बाप के जिक्र के हवाले से अबू हुरैरा जिक्र जर्रा रसूलुल्लाह तआला अन्हु जाके जानते मौजूद है। अल्लाह फरमा रहे इनको कुर्बान करो, कुर्बान नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत से इनको कुर्बान कर दो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मैदाने जंग में मौजूद है। एक बूढ़ा आदमी इनके सामने मैदाने जंग में आया, वो भी लड़ाई के लिए है मुखालिफ। हजरत अबू हुरैरा उसको देखते हैं, गर्दन उतार के फेंक देते हैं। किसी ने कहा यार ये तूने क्या किया, बूढ़ा आदमी था, तेरा रिश्तेदार भी था। उन्होंने फरमाया सबसे मेरा सगा बाप, सगा बाप था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का, लेकिन जब बाप पैगंबर के सामने होगी फिर ये बाप पैगंबर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। हजरत साहब ने भी जो कहा वाले मुसलमान हो गए, माता से बड़ा प्यार करते, इंतहाई मोहब्बत से बाहर जाते, माँ के बगैर आते जाते नहीं, खाते पीते नहीं, उठते बैठते नहीं, हर बात हर बात का मसला उनसे करके अपने मामला को करते हैं। मुसलमान हुए, माँ ने मुंह पर कर दी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन खाना नहीं खाया। हजरत साहब ने भी कहा परेशान हुए जरूर, लेकिन परेशानी की वजह कुछ और थी। वजह यह थी कि माँ भारत में मर गई तो जहन्नम में जाएगी। तीसरे दिन माँ से कहने लगी, अम्मा तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, तेरे साथ अकीदत बहुत है, तेरे साथ ऊपर बड़ी है मुझे, माँ है तू मेरी, लेकिन एक बात है मेरा, तेरी जैसी हजार बड़े हजूर
उन इंसान आबाओं को माँ बाप को अपमान करना है। हजरत अबू बकर का वादा आपने सुन लिया। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे ने कहा कि मैं खत्म उतार देगा अगर तू एक दफा भी मेरी तलवार की ना दुनिया कि तू मोहम्मद अलैहि सलाम का दुश्मन बन करके सामने आया। औलाद को कुर्बान किया जाए और भाई खान को अपने भाइयों को कुर्बान करना इसकी बेईमानी क्या है। सहाबा के दो सहाबा के हवाले से कि कोई उनका भाई सामने आता फिर वो पापा खून से नफरत कर रहा होता था, नफरत होता था सिर्फ इसलिए कि ये हुजूर अलैहि सलाम का दुश्मन बन करके सामने आया। सहाबा ने अमली निशाने पहन करके दी और बीवी बच्चों को कुर्बान बीवियों को कुर्बान कर दिया। अगवा एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो अगर औरत बोले तो उसके शोहर के लिए बोला जाता है, शोहर बोले तो औरत के लिए भी बोला जाता है। तो यदि कुर्बानियां हुई है हर उमर रज़ी अल्लाह तआला की बीवियां हैं जब हुज़ूर के दामन में आ गए कुरान की एक आयत उतरी वाला तुम सिकू बिहिस्बत अल कवाफिर के काफिर औरतों से निकाह रखना ही नहीं वफा चार मिलियत के अंदर के काफिर थी। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर की मोहब्बत से उन दोनों बीवियों को तलाक देके घर भिजवा दिया। वजह क्या थी कि हुज़ूर की दात पर इनको तरजीह नहीं दी जा सकती, कुर्बान कर दी बाजवाज को वकीलों को और इत्तादारों को कुर्बान करना इसकी तो बेशुमार मिसालें मिलती है। जब यह बदल होकर जाइए तजादात के हाथों तजादात बदल हुआ, रिश्तेदार के हाथों रिश्तेदार की जान निकली, उनको कत्ल किया गया। जो जब ये बदल के कैदी आए हर उमर ने कहा मेरा सगा मामू कैदी है इसको मेरे हवाले करो मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। इसलिए आशीर्वाद को के सारे रिश्तेदार कुर्बान है करम वाले इफ्राद उत्साह के बाद वो भी इससे दाद रात आगे चले गए। इन्होंने बात भी दे दी आप लोगों को देख लें कि जब हजूर के पास पहले दिन तशरीफ लाए तो मक्के के सबसे मालदार आदर थे, लेकिन जब हजूर ने दरबार कर लिया तो सारा कुछ पैगंबर के कदमों में निकाल हो गया। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं अपने पास बचा के रखा, सब कुछ पैगंबर के कदमों में निकाल कर दिया। सैयदा हसीना रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्के की बहुत बड़ी ताजर बहुत बड़ी ईमानदार औरत ईमानदार औरत जब पैगंबर का कलमा पढ़ती है सारा कुछ पैगंबर की खिदमत में लगा दिया, दीन इस्लाम से वक्फ कर दिया कि मुझे दीन चाहिए पैगंबर का दीन चाहिए। वाह वाह मेरे तरफ को पिघल पैगंबर के दीन पे वक्फ कर दी, पिघल पे अपनी लगा दी, तिजारत के माल लगा दिए और हम असाफ को कमजोर कहा अपनी जायदाद पे लगा दी। कहा हमारे सहाबी को घेर लिया कि तू मक्का छोड़कर मदीना जा रहा है हम तुझे जाने ही देंगे। सहाबी ने कहा मैंने तो जाना ही जाना है। उन्होंने घेरा डाल दिया कि तेरे साथ लड़ाई करेंगे तुझे नहीं जाने देंगे। उसने कहा तुम्हें मुझे माल चाहिए होगा जाओ माल भी ले लो, मेरा मकान मक्के में फुला जमाते है फुला जमाते जमीन है वो भी ले लो, मेरा फुला मक्का पूरा हवेली ले लो। जब मोहम्मद अली सलाम का दावत मैं छोड़ सकता हूँ हम चीज को पैगंबर पर कुर्बान करके सहाबा ने ये बात वादे कर दी कि ये तो वाहिद आइडियल शख्सियत है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है और इसके बढ़ कर के किसी और की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दी नहीं जा सकती। مقام مصطفیٰ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں آپ کو جائے تو بھی جاتی ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیک کریں گے کیا ایسی کوئی بات ہے میرے آقا میں کہ واقعی ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی ہے؟ گنجائش تو بچتی نہیں ہے ان بات کی آپ کے پاس، لیکن پھر بھی ناسمجھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی بات کر دے گا، ناسمجھ لوگوں کو بتانے کے لیے یا جو میرے آقا میرے خود کو سمجھتے نہیں ہیں یا وہ دنیاوی ماحول سے متاثر محبت کی وجوہات کو چھوڑ دیے